वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। ब्रदर देखो, फिजिक्स का मास्टर वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैंने 300 प्लस क्वेश्चंस फिजिक्स एमसीक्यू के डिस्कस किए हैं फॉर अपकमिंग एएफओस एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम, नेविट डबल एसएसआर एग्जाम। अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो डेफिनेटली 4 to 5 आप इजिली इनमें से आप फंसा दोगे। उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। वीडियो के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ उसमें क्या क्या है। क्वेश्चंस बेसिकली सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप है। दूसरी बात और बता देता हूँ भाई, होगा क्या, मैंने हिंदी पे, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो पढ़ाई करते हो तो अच्छी बात है, हिंदी मीडियम से हो बट भाई आप ट्रेनिंग पे जाओगे, कभी भी एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करोगे, सब कुछ वहाँ पे इंग्लिश पे पढ़ने को मिलेगा। सो आप ट्राई करना, मैंने हिंदी पे भी कन्वर्ट किया सर, सभी क्वेश्चंस को हिंदी पे बोलता गया हूँ, हिंदी पे बारे में बताता गया हूँ, बाकी इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 300 क्वेश्चन है, अगर आप उन्हें कंप्लीट करते हो डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चन आप फांस दोगे। कोई भी टेस्ट वगैरह लगाओगे उन्हें कंप्लीट करने के बाद आप उनमें से उन क्वेश्चन को पाओगे जरूर। सो क्वेश्चन को कंप्लीट करो। मैंने सीधा यहाँ पे 1 to 25 नहीं स्टार्ट किया, 25 नंबर से शुरू करके 300 पे फिनिश किया है, देन 1 to 25 लास्ट में ऐड कर दिया, क्योंकि 1 to 25 मैंने पहले करार रखा था, इस वजह से वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है। वीडियो वॉच करना, वीडियो फुल देखना और बताना कमेंट सेक्शन में। टू आवर का ऑलमोस्ट वीडियो होगा मैक्स, बट 2 आवर में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा वीडियो अगर आप वॉच करते हो। बाकी आपकी इच्छा, आपके लिए मीन्स क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है, सो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बाकी सारी की सारी चीज़ें आप वीडियो पे खुद देख लेना, एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मेरा स्कोर 300 में, अगर आपका 250 प्लस स्कोर जाता है सो आप काफ़ी अच्छी जगह पे, मीन्स आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी है। सो बाकी आप खुद बता सकते हो जो भी आपके डाउट्स हो, किसी भी टाइप का, एनी टाइप का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑल इन एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर वहाँ पे कोई पर्सनल चैट करना चाहता है। सो चलो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, ना है तो डिसलाइक करना, कमेंट जरूर एक करके जाना, ठीक है, कमेंट करके जाना कि भाई हाँ अच्छा लगा और आप लाओ या ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड टेक केयर, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलो 25 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। 1 से 24 देखने के लिए वीडियो एंड पे जाके सबसे लास्ट पे क्वेश्चन 1 से 24 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 25 से यहाँ से स्टार्ट करके अपने को आज 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम एंड नेवी डबल SSR एग्जाम के लिए कंप्लीट कर ही लेने हैं। मैं आपके लिए 2 or 3 hour की वीडियो बना सकता हूँ, तो आप ज़रूर भी, आप भी अपने लिए कर सकते हो। सो चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या, और कॉपी पेन पे लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले पे हिंदी पे कन्वर्ट करता चलूंगा, सो डोंट वरी, एंड इंग्लिश वालों के लिए तो भाई चांदी ही चांदी है। सो कैसे क्वेश्चन करते हैं, चलो। द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज, जो प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है, गियर व्हील्स बनाने के लिए, तो वो कौन सा मटेरियल होता है, पॉलिस्टर, नायलॉन, बैकलाइट या पॉलिस्ट्रीन। सो राइट आंसर अपना नायलॉन हो जाएगा। क्या होगा, नायलॉन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा एक रिविजन टाइप में, फुल डिस्कशन नहीं करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलें, एक रिवीजन चल रहा है, क्योंकि अपने पास एग्जाम के लिए 35 डेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, ओवन में इनमें से किसका यूज किया जाता है, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स या फिर रेडियोवेव्स। सो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी फटाफट करते चलना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, बताना है कि 300 में आप कितना स्कोर कर पाए। अगर आप 300 में 250 प्लस जा रहे हो तो आप बहुत अच्छी स्टैंड कर, मीन्स आपका पोजीशन काफ़ी अच्छा खासा है, एंड डेफिनेटली 4 to 5 नंबर तो फांस ही दोगे इससे। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 degree centigrade to 10 degree centigrade वैल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल, मीन्स जब किसी भी चीज़ को मान लो 0 degree centigrade से 10 degree centigrade तक गर्म किया जाता है, ठीक है, आयतन पे, गिवन ऑफ अ मास ऑफ वाटर विल, वाटर का जो मास होगा वो क्या होगा, इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा देन घटेगा, पहले घटेगा देन बढ़ेगा, सिंपल सा है। 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेस एंड देन व्हेन then will increases, means पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। so question number 27 का option number D। question number 28 क्या है, energy is continuously created in the sun due to, जो energy होती है sun में वो continuously created होती रहती है, किसके कारण होती रहती है, options है अपने सामने, nuclear fusion, fission, radioactivity, artificial radioactivity। so right answer nuclear fusion, fusion के कारण ये होती रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कूलिश ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस, कूलिश ट्यूब का मीन्स यूज किया जाता है,
रेडियो वेव्स के लिए, माइक्रोवेव्स के लिए, एक्स रेज के लिए या फिर गामा रेज के लिए? किसके लिए माइक्रो मीन्स कूलिश ट्यूब का यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का सी नंबर, एक्स रेज के लिए किया जाता है। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, मीन्स इलेक्ट्रिक सप्लाई में मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, मीन्स ऑप्शंस में जो दिया है रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? वैसे जेनर डायोड का ही यूज किया जाता है, और भी ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, जेनर डायोड। ओके देन नेक्स्ट, वैसे यहाँ पे ऑप्शन थे जनसन डायोड, गन डायोड, टनल डायोड, बट राइट आंसर तो हो गया अपना जेनर डायोड। अगला क्वेश्चन है गामा रेज कैन केसेस, गामा रेज मतलब कारण बन सकती हैं जेन मेटिशन स्नीजिंग बर्निंग या फीवर, किसका कारण बन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 द सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इन द सॉलिड स्टेट इज डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन या सोडियम क्लोराइड, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का? सो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, द सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इन द सॉलिड स्टेट इज, उसे बोलते हैं ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस, विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस, सो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का? पढ़ लेते हैं ऑप्शन, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वैसे राइट यहीं पे हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब। ओके और भी अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बट डेफिनेटली ये तीनों के तीनों रॉन्ग होंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना राइट हो जाएगा। उस बेसिस पे जैसे हम सेट करते हैं, विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस, एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, व्हाट इज कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू मीन्स जो कलर होता है, रंग होता है, वो लाइट का रिलेटेड रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी या वेलोसिटी से? सो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसके एम्पलीट्यूड से, किससे? एम्पलीट्यूड से। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन एटम ऑटोमोबाइल्स, ये क्वेश्चन मीन्स बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम पे, इसे तो नोट डाउन कर ही लेना। क्वेश्चन क्या है? बर्नौलीस लॉ मीन्स जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स, मीन्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होती हैं ऑटोमोबाइल्स पे, इनका मीन्स ये किसके सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पास्कल्स लॉ, पास्कल के नियम पे काम करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, इनमें से हीट के लिए बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? एल्कोहल, मरकरी, ईथर या फिर वाटर? 36 का, सो इसका राइट आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, मरकरी। ओके अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी आपको एरर लगता है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज व्यूड थ्रो एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मीन्स क्या देखा जा सकता है एक माइक्रोस्कोप, मीन्स एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू? सो क्वेश्चन नंबर 37 के ऑप्शंस हैं, वीडियो पॉज करो और देखो ऑप्शंस, बट इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस को देखा जा सकता है इन साइड ऑफ ह्यूमन स्टोमच, इन साइड ऑफ द ह्यूमन आई या फिर इलेक्ट्रॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट अपार्टस इज यूज्ड टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो क्या होगा इसका राइट आंसर? रडार, सोनार या फिर क्वेसार, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्वेसार, और ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकना आप, पल्सर क्या होगा? 39 कौन सा था क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, 38 नंबर, 38 का राइट आंसर हो जाएगा सुनार, ठीक है। व्हाट अपार्टस इज यूज्ड टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट मीन्स मान लो जलमग्न चीज में, मतलब पानी में, ऐसा हिंदी पे बताता हूँ थोड़ा सा आपको, पानी में मतलब कोई भी वस्तु खो गई है तो उसे पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सो सोनार का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन के, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, मीन्स इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंस परफेक्ट होता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दिन और रात के टाइम में? ऑरेंज एंड ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन? मैं तो जान गया 39 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये बताना, थ्री जो मीन्स इनिशियल कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया लाल, ठीक है, और आपका ग्रीन होता है और आपका ब्लू होता है। अगला क्वेश्चन, आई थिंक मैंने गलत बोला, रेड तो होता ही है और ये ग्रीन भी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, मीन्स एक ऐसा उपकरण जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आपकी दूध की जो शुद्धता होती है ना, मीन्स जो दूध होता है वो प्योर है कि नहीं उसे मेजर करने के लिए काम किया जाता है। बैरोमीटर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, और हाइड्रोमीटर होता है जो आपका ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 40 का राइट आंसर कौन सा होगा, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर वो जल, मीन्स जल से रिकॉर्डिंग हो जाता है, सो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 41, द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, अपन जो अपना मिल्की वे है गैलेक्सी, ठीक है, उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, स्पायरल है, या फिर नॉन ऑफ दिस। सो 41 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पायरल। क्या है, स्पायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ, मीन्स द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ, क्या होगा 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर ऑफ हो जाएगा टेम्परेचर के कारण ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वोलन क्लॉथ कीप द बॉडी वॉर्म बिकॉज, जो वोलन क्लॉथ होते हैं अपनी बॉडी को मीन्स गर्म रखते हैं, क्योंकि वोलन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वूल इज अ बैड कंडक्टर, वूल एब्जॉर्ब रेडियंट हीट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, वूल रिजेक्ट हीट फ्रॉम अदर आउटर ऑब्जेक्ट। क्या होगा क्वेश्चन 3 का राइट आंसर, 43 का, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वूल इज अ बैड कंडक्टर, वूल इज अ बैड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, ओके, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा वही फार्मूला टी बराबर 2π अंडर रूट एल अपन जी, वही उसी बेसिस पे यहाँ पे करना है, वही फार्मूला लगा देना और आपको सॉल्व कर लेना, बट सॉल्व नहीं करें यहाँ तो अपना MCQ सीरीज चला है, थोड़ा सा फास्ट चला है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, डिक्रीज्ड बाई अ फैक्टर, डिक्रीज्ड बाई अ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 45, मिस्ट इज अ केस्ड बाई, जो मिस्ट होता है वो किसके कारण होता है, इसका रीजन पूछा है यहाँ पे, ड्राई आइस, आइस एट अ लो टेम्परेचर, वाटर वेपर एट अ लो टेम्परेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाटर वेपर एट अ लो टेम्परेचर, वाटर वेपर एट अ लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 46, वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द, मीन्स जब हम कैच पकड़ते हैं, मैच देखते होगे मैक्सिमम आप में से मैच खेलते होगे, सो मतलब अपने हाथ को जब हम कैच पकड़ते हैं तो पीछे की ओर क्यों लग जाते हैं, फोर्स के कारण, मोमेंटम के कारण, इम्पल्स के कारण, ये क्वेश्चन नंबर डी भी देख लेते हैं, बट मैं यहाँ पे बता दूँ राइट आंसर मोमेंटम होता है, संवेग के कारण, ठीक है, संवेग आवेग के कारण, ठीक है, इम्पल्स। अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें दी है, मोमेंटम एंड इम्पल्स, इसका डायमेंशन हमेशा पूछा जाता है और ये दोनों इक्वल इनका डायमेंशन होता है। 46 के बाद 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं, व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट्स द क्लाइमेट, सॉरी रिसीड्स इट इंडिकेट्स द क्लाइमेट, मीन्स मान लो जैसे बैरोमीटर पर अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है मान लो, ठीक है, सो क्या होता है क्लाइमेट पे, जलवायु पे क्या इफेक्ट पड़ता है, विल बी वेरी वार्म, विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉमी, विल रिमेन कोल्ड इंसेंटेंट रेन फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। 47 का राइट आंसर क्या होने वाला है, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉमी, मीन्स सीजन जो आपका होगा बिल्कुल तूफानी टाइप में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस व्हाइल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ्स विल बी ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल, सर्कल, पैराबोलिक, ग्रेट सर्कल, हाइपर पैराबोलिक। मीन्स यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 48 पे कि मान लो कोई सी चीज़ पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है तो उसका एट लास्ट ओवर पूछा कि शेप कैसा रहने वाला है, तो पैराबोलिक यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। 48 के 49 नंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाँ क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई, मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया ऐसा बोल सकते हो, नोल एंड्रूस का, रॉबर्ट कोच और लेवन हॉक, या फिर सीपी स्वानसन। सो क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर 49 का क्या होने वाला है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नोल एंड्रूस का ने। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, व्हेन अ बॉटल ऑफ एसेंट इज केप्ट ओपन इन अ कॉमर ऑफ अ रूम इट्स आउटडोर इज फेल्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम, दिस इज ड्यू टू द
फिनोमिना ऑफ, मीन्स ऐसा किसके कारण होता है, इवोपोरेशन, वेपोराइजेशन, डिफ्यूजन या सबमर्जेशन। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होने वाला है, 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, डिफ्यूजन के कारण ये सारी की सारी घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, मीन्स जो आपकी क्लियर नाइट्स होती हैं साफ रातें होती हैं कोल्डर ठंडी होती हैं क्लाउडी नाइट्स की कंपेरिजन में, ऐसा क्यों होता है, कंडक्शन के कारण, कंडेंसेशन के कारण, रेडिएशन के कारण, इंसुलेशन के कारण। सो क्वेश्चन नंबर 51 का क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन वन का यहाँ पे 50, देखो 50 अपने ओवरऑल कंप्लीट हो गए। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, मीन्स 2 मिनट का वीडियो को पॉज कर दो, रख दो पानी यानी फिर दो, फिर स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 और नोट डाउन करते रहना। क्लियर नाउट्स ये होता है अपना किसके कारण, रेडिएशन के कारण होता है, रेडिएशन के कारण। और रेडिएशन, कंडक्शन, इंसुलेशन ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 52, अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस, एक गैस थर्मोमीटर होता है मोर सेंसिटिव क्योंकि देन अ लिक्विड थर्मामीटर, मीन्स लिक्विड थर्मामीटर की कंपेरिजन पे यहाँ पे कंपेरिजन करा दिया गया है। बिकॉज अ गैस, क्योंकि ए गैस इज लाइटर देन लिक्विड, एक्सपेंड मोर देन अ लिक्विड, इज ईजी टू ऑप्टेन, डज नॉट चेंज स्टेट ईजिली। क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा राइट आंसर, 52 का डी, डज नॉट चेंज स्टेट ईजिली। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट चेंज स्टेट ईजिली। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सनग्लासेस, मीन्स इनमें से सनग्लासेस के लिए किसका यूज किया जाता है 53 पे। सो राइट आंसर 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूक्स ग्लासेस का यूज किया जाता है, किसका, क्रूक्स ग्लासेस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, द स्पीड ऑफ द लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ऑप्शन देखते हैं 54 के क्या है, 54 के इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन अनअल्टर्ड या ड्रॉप सडनली। सो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिमेंस अनअल्टर्ड, कभी भी चेंज नहीं होते। व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली इट्स इन एन इंडक्शन ऑफ, मीन्स जैसे ही बैरोमीटर रीडिंग डिप्स कम होता जाता है देन क्या होता है, ऐसा बताना है आपको 55 पे। सो 55 का राइट आंसर क्या होता है, स्ट्रॉमी, सीजन आपका हो जाता है स्ट्रॉमी, मीन्स तूफानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्राई एयर, पेपर, केरोसिन या ग्रेफाइट, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पूछा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ग्रेफाइट अपना राइट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाई, जो हीट होती है फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ, मीन्स सन के, मीन्स सन के थ्रू अर्थ पे कैसे पहुँचती, किसके थ्रू पहुँचती, ये पूछा है, रिफ्लेक्शन के कारण, कंडक्शन के कारण, रेडिएशन के कारण या कन्वेक्शन के कारण, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रेडिएशन, मीन्स विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क, मीन्स कौन सी कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी मान लो वर्क करती है, ऐसा आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58। सो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, पैडलिंग द बाइसिकल टू कवर अ डिस्टेंस, ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस, विंड मिल, ग्रिंडिंग व्हीट ग्रेन या रोरिंग अ बोट इन द लेक, रोविंग अ बोट इन द लेक। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क, सो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी होगा कि ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59, इफ द वेलोसिटी टाइम ड्रॉप ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई द वाई इक्वल टू एम टी प्लस सी, देन द पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिंग एक्सेलरेशन, मीन्स एक मीन्स सभी के सभी पहले कॉन्स्टेंट थे, ठीक है, देन वेरिंग मीन्स चेंजेबल यहाँ पे बताती है। सो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो सकता है, सो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे, इफ द वेलोसिटी टाइम ड्रॉप ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई द वाई इक्वल टू एम टी प्लस सी, देन द पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड फर्स्ट, मीन्स इनमें से मान लो कौन सी घटना पहले घटी, ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा है। सो आप पढ़ सकते हो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है, प्रोपाउंडेड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैक्स प्लैंक अनवेल्ड द क्वांटम थ्योरी, बाकी और दो ऑप्शन है आप पढ़ो। क्वेश्चन 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला था, जो मैंने पढ़ा नहीं। क्या लिखा है, गुगलीमो मार्कोनी सेंट आउट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल्स, गुगलीमो मार्कोनी ने फर्स्ट वायरलेस सिग्नल्स को भेजा। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न हैपेंस ड्यू टू,
मीन्स एक पैसेंजर है स्टैंडिंग इन अ बस, बस पे खड़ा हुआ है इन थ्रोन आउटवर्ड बाहर की ओर, व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न हैपेंस ड्यू टू, मीन्स जब बस होगी एक सडन टर्न लेगी देन क्या होने वाला है, आउटवर्ड पुल ऑन हिम वो बाहर की ओर चला जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, चेंज इन एक्सेलरेशन होगा, ये सब किसके कारण होगा बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 61 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होने वाला है। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब जब प्रेशर बढ़ता है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट पे मीन्स उसका आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे मान लो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा है, बढ़ेगा घटेगा नहीं चेंज होगा कि उसके इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करेगा आइस के। सो क्वेश्चन 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल सा है, घटेगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिन्हें अनुप्रस्थ बोलते हैं और इन्हें अंधैर्ध बोलते हैं। तो ये पूछे अंधैर्ध तरंगे किन में मीन्स ट्रैवल नहीं कर सकते, किन में चल नहीं सकते, ऐसा है। सो 63 का राइट आंसर क्या होगा, वैक्यूम में, निर्वात में नहीं चल सकती हैं, बाकी और सभी में चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का यूज किया जाता है वो पॉल्यूशन की मीन्स किस पॉल्यूशन को कम करने के लिए मान लो कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, एयर वाटर नॉइस या फिर थर्मल। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। 65 नंबर, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, जो स्काई होता है ब्लू दिखाई देता है किसके कारण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये तो तगड़ा सा क्वेश्चन है, कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, डायनेमो एक यंत्र है जो इसका उपयोग किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है, जिसे बदलने में यूज किया जाता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो जस्ट इसका अपोजिट कर देता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, ऑयल राइजेस अप द विक इन अ लैम्प बिकॉज, जो मतलब विक में होता है मान लो तेल की बत्ती, मान लो एक क्वेश्चन भाई किसका वाला आ गया, हिंदी पे वो बता दूँ आपको, किस शब्द में होता है कि जब तेल की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है तो ये घटना किसके कारण होती है, सो ऑफ द कैपिलरी एक्शन फेनोमिना, बस कैपिलरी ये केशिकत होता है, यही आपको मिला, आपने कर लिया। और देखो इंग्लिश कभी भी आप वैसे इंग्लिश हिंदी पे कभी भी पढ़ते हो तो इंग्लिश वाला अगर हिंदी पे कभी भी गलती हो जाता है तो इंग्लिश वाला ही माना जाता है जो आप इंग्लिश पे करते हो। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चढ़ते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय, एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो मीन्स बहुत खतरनाक टाइप में होती हैं आप ऐसा जानो, सो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं किसके थ्रू, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर हीलियम। सो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीजन, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑक्सीजन के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं होता, ओजोन के थ्रू होती हैं, ठीक है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आई थिंक होने वाला है। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो जाए, क्योंकि मैंने खुद तो क्वेश्चंस बनाए नहीं है, मतलब कि आंसर्स नहीं बनाए, अगर कोई भी एरर हो जाता है डेफिनेटली आप बता सकते हो कि हाँ भाई आपसे गलती हो गई, आप इसे सही करा दीजिए, सो मैं जरूर सही कराऊंगा उसे। सो अगला क्वेश्चन क्या आप 69 नंबर है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन दैन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज, ये किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 69, इसके पीछे का मीन्स राइट आंसर क्या होगा, 69 का राइट आंसर क्या हो सकता है, इट यूजेस मोर पावरफुल लेंसेज, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल दैन दैट ऑफ विजिबल लाइट, ऑप्शन नंबर सी, द इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी दैन दैट लाइट ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी, द वेवलेंथ ऑफ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इज smaller as compared to the wavelength of visible light, so option number D यहाँ पे बिल्कुल right आपका हो जाएगा। question number 70, question number 70 क्या है, चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं question number 70, for a body moving with no uniform velocity and uniform acceleration, for a body एक शरीर के लिए moving with no uniform velocity means कोई भी velocity के साथ उसे move नहीं करना है and uniform acceleration and means एक बिल्कुल बैक टू बैक वाला एक्सेलरेशन के साथ में, सो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का, सो 70 का राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लाइनर, ओके
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफिक इज नॉन लाइनर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट का जो नियम है वो किससे संबंधित है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस या इल्यूमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्यूमिनेशन से संबंधित है लैम्बर्ट लॉ। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वैलिडेट्स द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये क्वेश्चन भाई बहुत पूछा जाता है, थ्योरेटिकल बेसिस पे ही होता है। सो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स ऊर्जा ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है लाइक अ सोल। सेम उसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, डेसिबल इज द यूनिट यूज फॉर, डेसिबल जो एक यूनिट होती है वो किसके लिए यूज की जाती है। 73 का राइट आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ हीट, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी। सो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मीन्स साउंड की फ्रिक्वेंसी, मान लो साउंड का मान लो एक यूनिट है इंस्टेंटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड उसका यूनिट है, उसी को डेसिबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, द टर्म आइसोनेफ इंडिकेट्स द लाइन्स ऑफ इक्वल क्लाउडीनेस, सैलिनिटी, रेनफॉल या फिर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाउडीनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 के बाद 75, द एटमॉस्फेरिक लेजर लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा, ओजोनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। द एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड, मीन्स रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, नंबर क्रायोजेनियस इज साइंस डीलिंग विथ हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, फ्रिक्शन एंड वियर, ग्रोथ ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ, द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ, किसके कारण होता है ये सब, क्वांटम थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फील्ड थ्योरी ऑफ एनर्जी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स, मीन्स मान लो छोटा सा टाइम मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पल्सर का, अगले ऑप्शंस देखते हैं चल के, क्वार्ट्ज क्लॉक्स का, एटॉमिक क्लॉक्स का या व्हाइट डॉट्स का। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं, डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज रेड लाइट, मीन्स डेंजर सिग्नल होते हैं वो हमेशा मीन्स लाल लाइट के ही क्यों होते हैं, अदर्स के क्यों नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 79 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, अंडर गोज लीस्ट डेविएशन और उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है, मीन्स किससे फिलअप होता है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 80, सो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 80, सो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अ शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस का बना होता है, अ शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एंड ऑयल ड्रॉप्स स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज, एंड ऑयल ड्रॉप्स स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज, जो ऑयल ड्रॉप होता है स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज मीन्स वाटर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, ऑयल इज मोर विशियस, ऑयल डज नॉट मिक्स विथ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला था, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 82, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, मीन्स अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट मीन्स डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नॉट इज अ मेजर ऑफ, नॉट मीन्स एक यूनिट है मान लो, तो वो किसे मेजर करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा, द स्पीड ऑफ शिप, शिप की जो स्पीड होती है उसे मेजर करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिसकनेक्ट्स द, जब मान लो मेन स्विच मान लो ऑफ कर दिया जाता है देन
पूछ रहा है यहाँ पे। लाइव लिव वायर वनली, लिव वायर एंड द अर्थ वायर, लिव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर एंड द न्यूट्रल वायर, क्या होगा 87 का राइट आंसर, मीन्स 84 का राइट आंसर। सो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लिव वायर, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, ये दोनों के दोनों रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, हीट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, रेडिएशन के थ्रू आते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर मोर सेवर बम्स, बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम या मेल्टिंग आइस वर्क। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टीम के कारण ये होता है। 86 के बाद 87 की ओर बढ़ते हैं। सो 87 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर, द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मीन्स अचानक से गिरावट आना किसका होता है, स्टॉर्म का होता है, ये आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज ड्यू टू, किसके कारण होता है ये, इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एट रेस्ट या ऑल न्यूट्रॉन्स एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 88 क्या होगा बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर, जो थोड़ी बारी मान लो शॉर्ट साइट होती है, कम दिखाई देता है इन ह्यूमन आई, जो मानव आंखों में, तो हम उसे कैसे सही करते हैं, किसका यूज करके कर सकते हैं। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनकेव लेंस का यूज करके कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप इसे। व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मीन्स तारों का चमकना किसके कारण होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटली इंटरफेरेंस, क्या लिखा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये सब होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, वातावरण में जो अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 91, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड मीन्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, सिस्मोग्राफ उसे बोलते हैं। 91 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना था, और कुछ ज़्यादा पढ़ने का नेट नहीं था। अब मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर, मल्टीमीटर का यूज किसे मेजर करने के लिए किया जाता है, सो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, इन तीनों को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑटो को ऐसे फास्ट चलना है भाई, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट मतलब मिलाने मिले व्हाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर्स, सो ग्लास स्लैब, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस या फिर प्रिज्म। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म पे ही आपने पढ़ा होगा, प्रक्षेपण, प्रकाश का प्रक्षेपण, सेम वही घटना होती है, भिन्न भिन्न रंगों में डिवाइड हो जाना ही प्रिज्म कहलाता है, सेम यही यहाँ पे यही पूछा था क्वेश्चन नंबर पे 93 पे। क्वेश्चन नंबर 94, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का क्या हो सकता है राइट आंसर, सो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फिजन पे, न्यूक्लियर फिजन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट मीन्स इनमें से किसका यूज किया जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की स्टडी के लिए, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर या फोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 96 क्या है, अ फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक जो फाउंटेन पेन होता है वो किसके प्रिंसिपल का पे काम करता है, सो ऑप्शन नंबर ए, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल कैपिलरी एक्शन पे, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स पे। सो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, कैपिलरी एक्शन पे वो काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, साइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, तो कोई मेजर करने वाले क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम पे नहीं आएंगे, बट आप कर सकते हो, MR के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ के हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेंसिटी के लिए, किसके लिए, डेंसिटी के लिए। साइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 98,
फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 98 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि साइंस से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये टॉपिक जरूर आएगा। मीन्स लाइट तो आता ही, लाइट में ही आता है, बट ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला, अ डेसिबल इज, डेसिबल के बारे में मैंने बोल चुका हूँ, वेवलेंथ ऑफ नॉइस, नॉइस मेजर करने के लिए यूज किया, अच्छा साउंड लेवल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 100, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैंड इन बिल्ट सोर्स ऑफ, मीन्स जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस होती है किससे बनी होती है, ऐसा यहाँ पे एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज, एक्सरेज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गामा रेज से बनी होती है। अच्छा ठीक है, मैं इसका आपको डाउट में डालता हूँ, एक्सरेस गामा रेस, अब बताना इसका राइट आंसर, अगर यहाँ तक आए हो तो उसके लिए थैंक यू, बट बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का पहला क्वेश्चन पूछा है 100 में, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये हुआ, अभी वीडियो को पॉज करो, पानी वगैरह फिर से पी सकते हो अगर कोई डाउट हो, और फिर से डट जाना है। सो पी लेते हैं पानी और मैं वेट कर रहा हूँ आपका, पी लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज कॉल्ड, एक डिवाइस जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करती है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट वाले करने को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। अगला, एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज इज ग्रेटर देन, अल्ट्रा वायलेट रेज की जो एनर्जी होती है किससे, मीन्स ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, एक्सरेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज या इंफ्रारेड रेज। 102, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड रेज से ज़्यादा होती है। भाई इसका मतलब ये वाला चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला। अगला, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड इज, स्पीड ऑफ द विंड मीन्स स्पीड ऑफ द विंड, मतलब कि स्पीड ऑफ द विंड, हवा की स्पीड मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये भी सिंपल है, एनेमोमीटर यूज किया जाता है। और भी ऑप्शन पढ़ने की कोई नीड नहीं है, अल्टीमीटर आपने पढ़ा ही होगा, अभी रेजिस्टेंस, वोल्टेज वगैरह सब कुछ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं, मतलब के होंगे तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, हु डिफाइन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया, ये तो इजी था, 104 इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। अगला, द मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर्स इज, मीन्स हल्के कंडक्टर बनाने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर या जिंक। 105 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉपर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, अ हाइड्रोजन बैलून फ्लोट्स अप बिकॉज ऑफ, एक हाइड्रोजन बैलून जो होता है वो मतलब उड़ता है, ठीक है, तैरता है, बिकॉज ऑफ, किसके कारण तैरता है, बताओ। 106 का ऑप्शन वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो ऑप्शन, क्योंकि मैं अभी ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा और अपने को तो फास्ट करना है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेट ऑफ द बैलून इज लेस देन द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय इट, जो बैलून का वेट होगा वो कम होगा, द वेट ऑफ एयर जो उस पर मतलब हवा के द्वारा उस पर लगाया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एंटी गैमनेटिज्म, सिलेंड्रिकल लेंस, कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस या बाईफोकल लेंस। 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ ST गैमनेटिज्म, तो 107 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिलेंड्रिकल लेंस का यहाँ पे यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, इन अ लेजर ऑल द एटम्स इमिट द लाइट वेव्स ऑफ, इन अ लेजर मीन्स लेजर में से नियॉन लेजर, ठीक है, ऑल द एटम्स इमिट द लाइट वेव्स ऑफ, किसके कारण, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेस या ऑल ऑफ द एबव। 108 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी, इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, मान लो सो आयरन पीस के पास, वाटर के पास, गोल्ड पीस के पास या बेंजीन के पास। 109 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, सो 109 पे अगर मैं आपको बता दूं, सो उसमें स्पेस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाटर के पास। अगला 110, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी
मान लो एक टेम्परेचर किसी भी स्थान पे अचानक से बढ़ जाता है, इंक्रीजेस बढ़ जाता है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो उसकी अपेक्षित आर्द्रता होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। 110 पे राइट आंसर वो भी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए एम? ए एम एम्पलीट्यूड मोमेंट, मोमेंट नहीं होगा, ए एम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, चलो बताते हैं। एनी वेयर मूवमेंट एम्पलीट्यूड मैचिंग एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? सो 112 भी कुछ देर पहले भी क्वेश्चन आया था, येलो एंड ब्लू साथ में था, तो येलो एंड ब्लू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113। ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स वी यूज इंडिगो ड्यू टू इट्स, मतलब हम वॉशिंग के जब कपड़े मान लो वॉश करते हैं तो हम इंडिगो का यूज करते हैं, कोई सभी अलग अलग करते हैं बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो हम इसका यूज क्यों करते हैं? बेटर क्लीनिंग एक्शन के लिए, प्रॉपर पिगमेंटल कॉम्पोजिशन के लिए, हाई ग्लोरियस नेचर के लिए, या वेरी लो कॉस्ट के लिए? किसके लिए यूज करते हैं? 113 का, ये वेरी लो कॉस्ट होता है इसके लिए करते हो क्या? ये तो हो नहीं सकता। 113 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन के लिए, प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन के लिए। 113 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 114। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉच स्प्रिंग इज, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉच स्प्रिंग इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी? 114 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। देन मीन्स जो वॉच में एनर्जी होती है स्टोर की जाती है वो कौन से होते हैं? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 115 कौन सा है? द सेंसेशन ऑफ अ वेट लेसनेस इन अ स्पेस क्राफ्ट इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू द, किसके कारण ये सब होता है? एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड, एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड बट नॉट इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट, फैक्ट दैट स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिट हैज नो एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। द थर्म इज द यूनिट ऑफ, थर्म किसका यूनिट होता है? हीट का होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है किसका कॉन्सेप्ट देता है? इनर्सिया का देता है, मीन्स जड़त्व का नियम आपको पढ़ा होगा आपने इसी पे, सो वही देता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अ पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू, मीन्स एक तालाब का पानी कम दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? 118 का, 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन के कारण। अगला, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज, उसे क्या बोलते हैं? विंड पावर, सोलर पावर, टीटल पावर, या क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं चल के, जियोथर्मल एनर्जी, हाँ उसे जियोथर्मल एनर्जी ही बोलते हैं, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड, एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस की जाती है कॉमर्शियली कोल से मीन्स कोयले से, उसे क्या बोला जाता है? लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मल एनर्जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? थर्मल एनर्जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलता है 121 पे, वी ऑलवेज सी द सेम फेस टू फेस ऑफ द मून बिकॉज, हम ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज, मीन्स मान लो मून का सेम फेस देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट होगा सी, इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रिलेशन रोटेशन ऑन इट्स वन एक्सिस, और अपने मीन्स एक्सिस पे घूमने के लिए उसे मीन्स पर्याप्त टाइम चाहिए होता है। ठीक है, सो राइट आंसर, वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑन द मून बिकॉज इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स वन एक्सिस। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, वाटर पाइप इन हिली एरियाज ऑफन बस्ट ऑन अ कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? वाटर पाइप इन अ हिली एरियाज ऑफन बस्ट ऑन अ कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? 122 का राइट आंसर क्या होगा? द मटेरियल ऑफ विच पाइप्स आर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू कोल्ड एंड सो ब्रिक्स, वाटर इन द पाइप्स फ्रीजेस एंड ऑन फ्रोजिंग वाटर एक्सपेंड टू पाइप्स ब्रिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर सी आप पढ़ सकते हो। 122 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाटर इन द पाइप्स फ्रीजेस एंड ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड सो पाइप्स ब्रेक, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 123, अब
पैराशूट डिसेंड स्लोली वेयर एज अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट फॉल्स रैपिडली बिकॉज ऐसा क्यों होगा स्टोन इज हैवियर देन पैराशूट स्पेशल मैकेनिज्म आर प्रेजेंट इन पैराशूट पैराशूट हैज लार्ज स्पेस सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर। मान लो मुझे इसका आंसर नहीं पता था 123 का, बट मैं इससे पता कहाँ से समझ गया इसका राइट आंसर यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की गई। बस यही एक लॉजिक था, यहीं से अपने को पकड़ लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। अ पैराशूट हैज अ लार्जर सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर। सो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1-4, विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं ह्यूमिडिटी। सो 1-4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्लिंग साइनोमीटर का यूज साइनोमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-5, द टाइप ऑफ मिरर्स यूज इन द हैंड लैम्प ऑफ कार्स इज मीन्स हैंड मीन्स मान लो कार के हैंड लैम्प हम किस टाइप का मिरर का यूज करते हैं पैराबोलिक प्लेन स्पेरिकल कनकेव कन्वेक्स या सिलेंड्रिकल कनकेव। 1-5 इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पैराबोलिक कनकेव का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1-6 मीन्स 26 नंबर, द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर्स लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज बिल्कुल सिंपल सा है, यह पॉइजन के कारण होता है रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 1-7, अल्टरनेटिंग करंट इज कंट्रोल इनटू डायरेक्ट करंट बाय अ रेक्टिफायर बिल्कुल सही है। 1-7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक इनमें से मान लो किसकी ज़्यादा इलास्टिक होती है, कौन सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है ठीक है, रबर वेट क्ले स्टील या फिर प्लास्टिक, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है। 1-8 का साइंस अकॉर्डिंग ये होता है स्टील की यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन 1-9, व्हेन अ पर्सन वॉकिंग इन अ ब्राइट सनलाइट इंटर्स अ डार्क रूम ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर अ लिटिल व्हाइल बिकॉज मान लो जैसे बाहर से घूम के आते हैं अचानक से कभी कभी रूम पे आते हैं तो अचानक से कुछ धुंधला सा दिखता है सो ऐसा कि, या फिर आप किसी से मान लो किसी भी रूम से निकले अचानक से बाहर करो तो थोड़ा सा आंखों पे धुंधलापन ऐसा किस कारण से हो जाता है, वो तो अपना आपने पढ़ा होगा अगर आई पूरा पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा। 1-9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। 1-9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, द राइट द आयरिस जो होता है इज अनेबल टू डायलेट द पपिल इमीडिएटली मीन्स जस्ट अपने पपिल को आयरिस मीन्स अनेबल डायलेट नहीं कर पाता, जस्ट वह धीरे धीरे करता है और फिर अपने को बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है जैसा दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स जो बॉल का मीन्स जैसे आप स्पिनर बॉलर हो मान लो आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल जो टर्न होता है स्पिन पे ऊपर वो किसके कारण होता है किसके मीन्स इसके पीछे का रीजन क्या है, बायनोसी ऑफ एयर टर्बुलेंस कैस्ट बाई विंड बर्नौलीस थ्योरम सडन चेंज इन विंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा मीन्स विंड में डायरेक्शन आए और आज मेरी घूम गेंद टर्न हो रही थी और कल नहीं हुई। सो 130 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टर्बुलेंस केस्ट बाय विंड। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन अ सिंगल थिक शर्ट इन विंटर मीन्स मान लो किसी मोटी टी शर्ट पहनने से अच्छा है कि हम दो पतली टी शर्ट पहन लें इसके पीछे का रीजन क्या है ऐसा क्यों होता है। 131 इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटिंग मीडिया इंसुलेटिंग मीडिया के कारण और उन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेटिंग वहाँ पे बना पाएंगे सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव टू द अर्थ सर्फेस। रेडियो वेव को मीन्स मान लो कौन सी एटमॉस्फेरिक वेव वेव्स रिटर्न करते हैं वापस करते हैं बैक करते हैं तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आयनोस्फीयर। आई थिंक ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। साउंड कैन नॉट पास थ्रू मीन्स साउंड इनमें से किससे गुजर नहीं सकता अच्छा ठीक है। सो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीन्स डी हो जाएगा वैक्यूम से। अगला, इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मीन्स फोटो सेल में लाइट एनर्जी जो होती है वो किस में किसको कन्वर्ट किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में केमिकल एनर्जी में हीट एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट, अ स्टॉर्म इज प्रेडिक्टेड इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज सडनली राइजेस ग्रेजुअली फॉल सडनली फॉल्स ग्रेजुअली। सो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर क्या होगा, 135 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉल सडनली। 136,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 136 क्या है, व्हाट शुड अ पर्सन ऑन अ फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल टू डिक्रीज हिज एंगुलर स्पीड ब्रिंग हिज हैंड्स टूगेदर, मीन्स मान लो स्पीड कम करने के लिए क्या करता है, रेज हिज हैंड्स अप स्प्रेड हिज हैंड्स आउटवर्ड सिट डाउन विथ रेज हैंड्स, क्वेश्चन नंबर 136 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्प्रेड हिज हैंड्स आउटवर्ड्स मीन्स अपने हाथ बाहर की ओर फैला लेता है। अगला 137 विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टिया बॉडीज कंटेंट्स क्या लिखा है, एब्यूंडेंट क्वांटिटीज ऑफ हीलियम 3 और पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अर्थ मून वेनस या फिर सैटर्न, क्या होगा राइट आंसर 137 का, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा मून के लिए। स्मोक इज कॉम्बिनेशन ऑफ, स्मोक जो होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है, एयर एंड वाटर वेपर्स का, वाटर एंड स्मोक का, फायर एंड वाटर का, स्मोक एंड फॉग का, किसका होगा 138 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्मोक एंड फॉग का। क्वेश्चन नंबर 139 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स इज यूज टू ब्लॉक डीसी इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मीन्स इनमें से किसका यूज किया जाता है डीसी को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, सो रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस का या फिर डायोड का 139 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायोड का मीन्स कैपेसिटेंस का, मीन्स सॉरी डी नंबर था डायोड, बी नंबर अपना हो जाएगा कैपेसिटेंस। अगला क्वेश्चन 140 स्पेक्टिकल्स यूज फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स हैव, जो मीन्स हम लोग 3D मूवीज देखते हैं, मैंने नहीं देखी बट मान लो किसी ने भी आप में से देखा है, सो उसमें से स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, सो वो कैसे होता है, बाईफोकल लेंसेज, कन्वेक्स लेंसेज, कनकेव लेंसेज या पोलराइड लेंसेज, क्या होगा 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पोलराइड लेंसेज। ओके देन नेक्स्ट, अ बॉय सिटिंग इज एन ओपन कार मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप इन टू द एयर द बॉल फॉल्स, मीन्स मान लो हम गाड़ी पे जा रहे थे, हमने मतलब कि एक सिक्का मान लो बॉल इधर से बॉल दिया है तो बॉल ऊपर उछाली थे, बॉल पे क्या होगा, बॉल पीछे गिरेगी, इन फ्रंट ऑफ उसके सामने गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, उसके बगल में गिरेगी, 141 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि कार तो चल रही थी वो एक स्पीड से, ठीक है हमने बॉल उछाली मान लो अपनी कार निकल गई, यहाँ पे आके बॉल गिर जाएगी पीछे, सिंपल है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग सोप इज, जो प्रोसेस होता है सोप बनाने के लिए उसे क्या बोलते हैं, सो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा था, उसे सेपोनिफिकेशन ही बोलते हैं, अच्छा ऑप्शन नंबर ए ही तो है और सेपोनिफिकेशन ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, अ किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, अच्छा किलोवाट आवर इज यूनिट किसका होता है, सिंपल सा है एनर्जी का होता है, 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज, वेंटिलेटर्स मान लो प्रोवाइड किए जाते हैं नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज किसके कारण, द एक्सेल्ड वार्मर एयर राइजेस अप एंड गोज आउट, दीज प्रोवाइड क्रॉस वेंटिलेशन ऑन इन द रूम, दीज प्रोवाइड सम सनलाइट इन द रूम, दीज डू नॉट लुक नाइस इन द लोअर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 144 इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द एक्सहेल्ड वार्मर एयर राइजेस अप एंड गोज आउट। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, द हेयर ऑफ शेविंग ब्रशेस क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, सो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्फेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, इन अ सेवर विंटर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स बस्ट बिकॉज, इन अ सेवर विंटर इन अ कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स बस्ट बिकॉज, वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, कंट्रैक्शन ऑफ वाटर पाइप्स, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द अबव थ्री, क्या होगा 146 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार, 147 वीडियो पॉज करो उसके बाद आंसर्स यहाँ पे लगाओ, गेस क्या हो सकता है 147 का, सो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द इंटायर बल्क ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड, द इंटायर बल्क ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 148, द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्पेरिकल शेप ड्यू टू, द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर जो मीन्स स्पेरिकल शेप पा लेते हैं किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण हो जाएगा, सो 148 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज इज, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज इज 149, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट 150 नंबर देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ, किसके चेंज होने के दौरान, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, विंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोकेशन ऑफ साउंड,
क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, प्रेशर ऑफ एयर। प्रेशर ऑफ एयर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपको कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना? अभी फिर से वीडियो पॉज करो, फिर से अपना रेस्ट मार लो, लेट एट लो थोड़ा सा। वैसे एग्जाम वगैरह के लिए आपको पढ़ते रहना है, बट कोई ना, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह, क्योंकि आइस पे भी होता है, आइस पे पढ़ने लगता है। सो चलो करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं ना फिर से। 151 क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट, द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट, जो डेंसिटी होती है गैस की वो मैक्सिमम किस में होती है? सो 151 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ओके। द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर अल्टीट्यूड्स? ये क्यों डिफिकल्ट होता है ब्रीथ, मतलब सांस लेना हायर अल्टीट्यूड्स, मान लो ऊपर वाले ऊपरी इलाकों में, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू ओजोन लेयर, ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्यू टू लो हाई प्रेशर, एयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 153 की ओर। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज इन नेचर इज, मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है नेचर में वो कौन सा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स? एमआर के एग्जाम पे क्वेश्चन आस्क किया था, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने रिव्यू दिया था इसका। सो 153 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूक्लियर फोर्स। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम, स्पेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट? क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई? 154 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। कौन सा होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसे क्लियर करो। अगला, द स्पून ड्रॉप्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट इन एन सैटेलाइट इन अ सैटेलाइट विल फॉल टू द फ्लो, रिमेन स्टेशनरी, कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, मूव टेंजेंटली अवे। क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 155 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, पाइपलाइन इन कोल्ड कंट्रीज ऑफ्टन बस्ट इन विंटर बिकॉज, पाइपलाइन जो होते हैं कोल्ड कंट्रीज़ में वो ऑफ्टन मीन्स अक्सर मीन्स बहुधा, ठीक है, बस्ट मीन्स फट जाते हैं विंटर बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? आपको ऑप्शन नंबर ऑप्शंस पढ़ लेने 156 का, बट मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। वाटर फ्रीजेस एंड एक्सपेंड इन इट्स वैल्यू, मीन्स वाटर जमता है और उसका जो आयतन होता है, वैल्यू होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ये इसी कारण वो फैलते हैं और फट जाती हैं। अगला, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, मीन्स जब किसी बॉडी को अर्थ से मून पे ले जाया जाता है, मीन्स बॉडी को अर्थ से मून पे ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन्स उसका वेट तो चेंज हो जाएगा बट मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मास चेंजेस बट वेट रिमेन सेम, वेट चेंजेस बट मास रिमेन सेम। 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 157 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ मिराज ऑकर्स बिकॉज ऑफ, मिराज होता है किसके कारण से होता है? 158, सो 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाई लेयर्स ऑफ एयर। 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था अपर, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला, एटॉमिक पावर प्लांट वर्क सन द प्रिंसिपल ऑफ, एटॉमिक जो पावर प्लांट होता है मान लो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? फ्यूजन, फ्यूजन, थर्मल कॉम्बिशन या फिर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द एबव थ्री। सो 159 का राइट आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन पे काम करता है। बोलोमीटर इज यूज्ड बाय मेजर, मीन्स बोलोमीटर जो होता है वो किसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 160, सो 160 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टैली मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 161 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट 162, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू, एक पर्सन मतलब कि एक स्टोन को मारता है तो उससे हर्ट होता है, उसे लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन मोमेंटम। 162 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन के कारण, किसके कारण? रिएक्शन के कारण। द फ्यूज इन प्योर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन देयर इज अ हाई राइज इन इंडक्टेंस, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। 163 का इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करंट। द फ्यूज इन प्योर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट मेल्ट व्हेन देयर इज अ हाई राइज इन, ऑप्शन नंबर बी, 163 का ऑप्शन नंबर बी, करंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर कैंटिलीवर बीम, मीन्स कैंटिलीवर बीम के लिए इनमें से कौन से एग्जांपल है, डाइविंग बोर्ड, ब्रिज, सेस, क्या लिखा, सीसा या फिर कॉमन बैलेंस। सो 164 का राइट आंसर क्या होगा, 164 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज। अगला, यूके इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस, यूके इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस एट द टॉप ऑफ माउंटेन एट द सी लेवल अंडर अ माइन सेम एनी वेयर। ये तो आई थिंक सभी को पता होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर एट द टॉप ऑफ बॉटम सॉरी एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, मीन्स माउंटेन पे हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे प्रेशर होता है वो कम होता जाता है, इस वजह से। अ डायनेमो इज अ डिवाइस, डायनेमो जो होता है इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है, ये पता है। 167 की ओर बढ़ता है, अ सोप बबल शोज कलर्स वेन इल्यूमिनेटेड विथ व्हाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू, किसके कारण से होता है ये, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस या रिफ्लेक्शन। 167 ये किसके कारण से होता है, 167 का राइट आंसर ऑप्शन 167 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेरेंस। अगला 168, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जिसे क्या बोलते हैं, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मीन्स किसका यूज किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप। 168 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। 169, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसका मीन्स एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, जो रिजल्ट कन्वर्ट कर रही है किसमें, इंक्रीजिंग इन लेवल ऑफ सी, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, चेंज इन कॉस्ट लाइन, ऑल ऑफ द एबव। 169 इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 170, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट डेंसिटी इनमें से किसकी होती है, फ्रेश वाटर की, साल्ट वाटर की, पेट्रोल की या फिर मरकरी की। 170 का राइट आंसर क्या होगा, 170 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 171, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, मीन इनमें से कौन सा मीन्स प्रिंसिपल का यूज किया जाता है कम टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो जूल केल्विन इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, सुपर कंडक्टिविटी। सो 171 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का यूज किया जाता है। 172, अ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है कन्वर्ट करने के लिए, किसे कन्वर्ट करता है। 172 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आप बताओ। सो 172 का मैं आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पे बढ़ते हैं, टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड सिमिल्यूटेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मीन्स दो पत्थरों को एक सेम मीन्स डिफरेंट सेम मास के होते हैं किसी बिल्डिंग से ड्रॉप किया जाता है, देन स्मॉलर स्टोन रीच द ग्राउंड अर्लियर, छोटा वाला पहले पहुंचेगा, बड़ा वाला पहले पहुंचेगा, बोथ मीन्स पहुंचेंगे या फिर नॉन ऑफ दीज। सो क्या होगा, 173 का, 173 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ द स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, रेगुलेटर। 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, रेगुलेटर से ही तो हम स्पीड फैन की कम ज़्यादा करते हैं, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, या फिर वो वाला स्टैंड वाला फैन है तो उसमें पीछे पट पट ऐसा 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 कुछ लगा होता है तो उस बेसिस पे, ठीक है, उसमें स्विच होता है। 175, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है, गैस डिस्पर्स्ड इन गैस, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, क्या होगा। 175 का राइट आंसर, 175 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, गैस डिस्पर्स्ड इन गैस। अगला क्वेश्चन, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। 176 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, जो मीन्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो किसका रेशियो होता है। 177 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 178, द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स, द प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स। 178 का राइट आंसर क्या होगा, 178 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर 178।
178 का, सो ऑप्शन नंबर ए एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट 179, हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विथ इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, जो हीट ट्रांसफर होता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, विथ इन द एटमॉस्फेयर किस कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है। 179 का राइट आंसर क्या होगा, 179 का, सो 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एडवेक्शन बोला जाता है, एडवेक्शन। 180, नॉइस इज मेजर्ड इन, नॉइस जिसे मीन्स मेजर किया जाता है 180, वो मीन्स किस में किया जाता है, डेसिबल, आपने सुना होगा ना साउंड का, सो वही था। अगला, द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, भाई चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में क्यों उड़ पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, आपको तीनों पता है ना, अच्छी बात है, ऑडियोबल, इनऑडियोबल या फिर इंफ्रासोनिक, ये तीनों के तीनों, अल्ट्रासोनिक जो होती है तीनों के तीनों, इनके बारे में पता होना चाहिए, और किस में कितना होता है, ह्यूमन कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कम और या फिर 20,000 बीच में हम सुन सकते हैं, और उसके जो ज़्यादा होता है वो मीन चमगादड़ वगैरह सुन पाता है, ठीक है। 181 के बाद 182, व्हाट चेंजेस विल हैपन टू अ बॉल ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0°C, मीन्स क्या चेंजेस होंगे अगर मीन्स बॉल ऑफ वाटर मीन्स कटोरे पानी होगा उसमें क्या चेंजेस होंगे, ऐसा पूछ रहे हैं यहाँ पे। ऑल आइस विल मेल्ट, ऑल वाटर विल बिकम आइस, नो चेंज विल हैपन। 182, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नो चेंज विल हैपन, कोई भी घटना उस पर नहीं घटित होने वाली। अगला 183, क्यूपरिक पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, क्यूपरिक पॉइंट जो होता है उसका टेम्परेचर किस पे होगा, मैटर बिकम्स रेडियोएक्टिव। 183 ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, मेटल लॉजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अ मेटल लॉजेस कंडक्टिविटी, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटर क्या होगा। अगला, एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एन एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, प्रोपो क्या लिखा, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नन ऑफ द अबव। 184 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्वल टू ईच अदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 185, इफ अ बॉडी सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रोस अ बॉल स्ट्रेट अप इन टू द एयर, द बॉल विथ फॉल इन फ्रंट ऑफ हिम फॉल बिहाइंड हिम, बिल्कुल सही है। 185 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉल इन टू हिज हैंड, सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के, वो किस में ज़्यादा होगी, अर्थ में, ठीक है, तो पोल्स पे, इक्वेटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ या सरफेस पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। 186 का बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पोल्स पे होती है, ध्रुवों पे होती है। अगला, द स्पोक्स यूज्ड इन द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एक्सेलरेशन या फिर मोमेंटम, सो 187 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 188, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफार्मर। 188 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, स्काई जो होता है ब्लू दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, स्कैटर ब्लू कलर्स मोर देन द अदर्स। क्वेश्चन नंबर 189 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, द एटमॉस्फियर स्कैटर्स ब्लू कलर मोर देन द अदर्स, बिल्कुल सिंपल सा बात है, यही मेन रीज़न है, बाकी आप कॉपी बना सकते हो। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 190, व्हेन अ शिप इंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर, मतलब कि एक सी रिवर से शिप में मीन्स समुद्र में एंट्री मारता है देन क्या होता है, सो 190 का राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट राइजेस अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला 191, टू स्टेंस ऑफ अनइक्वल मासेस आर थ्रोन वर्टिकली ऑफ द विद द सेम वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, मीन्स मान लो सेम मास के नहीं थे, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही थी। अगला, द हैवियर मास विल रीच ग्रेटर हाइट, कौन सा ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, द लाइटर मास विल बोथ रीच ग्रेटर हाइट, बोथ विल रीच द सेम हाइट, एनी ऑफ देम मे रीच ग्रेट हाइट, कोई तो पहुंचेगा ही ऐसा यहाँ पे। 191 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ विल रीच द सेम हाइट। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है ठीक है उसकी इकाई क्या होती है। 192 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। अगला 193, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू डिस्टेंस प्लेस इज, ये कुछ देर पहले मैंने आज इसी सेशन में कराया था। 193 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, थॉमस एल्वा एडिशन है। अगला, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्प्रिंटर ड्यूरिंग द रेयर लाइज अहेड ऑफ हिज फीट, बिहाइंड हिज फीट, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, टू द लेफ्ट
साइड ऑफ द बॉडी। सो 194 का राइट आंसर आप बताओ। मैं ये देखना चाहता हूँ भाई, ऐसे ही मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने अभी तक 200 क्वेश्चन कराने के क्लोज हूँ और आप यहाँ तक आए हो कि नहीं उसके लिए बताओ 94 नंबर पे कमेंट में कमेंट करके कि हाँ भाई मैं तो आऊँ, आप चालू रखो, ठीक है। मैं वेट करूँगा 194 के आपके आंसर का। अगला 195, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर्ड नाइट बिकॉज क्लाउडी मेनली, ऐसा क्यों होता है? ये मैंने पहले भी करा रखा है, 195 का ये क्वेश्चन आज भी आया था। सी नंबर राइट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय अर्थ, रिफ्लेक्ट करता है। अगला 196, अ मेटल प्लेट विथ अ सर्कुलर होल एट द सेंटर इज हीटेड, अ मेटल प्लेट विथ अ सर्कुलर होल एट द सेंटर इज हीटेड, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द होल, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कॉन्स्टेंट, विल इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस। 196 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस हो जाएगा। अ मेटल प्लेट विद अ सर्कुलर होल एट द सेंटर इज हीटेड, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द होल। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला, द पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है, यहाँ पे ये पूछा है। 197, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 आवर्स। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ पेपर एंड अ क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डू बोथ रीच द सरफेस सिमिलिटेशनली, मीन्स दोनों साथ में ही पहुँचेंगे, किसके कारण पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। 198 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब निर्वात मीन्स वैक्यूम में गिराओगे तभी एक आपका कागज का टुकड़ा और बॉल दोनों नीचे आएंगे, अदरवाइज तो बॉल पहले आने वाली थी। सो उस बेसिस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 के बाद 199 क्या है, पढ़ते हैं ऊपर चल के। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इज टिपिकली, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, अगर आपने फोकस किया होगा तो आप इसे कर पाओगे। सो 199 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, बिलो 20 किलो हर्ट्ज के नीचे होती हैं। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, मीन्स इनमें से कौन सा मीन्स खतरनाक टाइप वाली रेडिएशन इंक्रीज करती हैं, पैदा करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, फ्यूजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पॉज करो, पानी पियो, नहीं पिया और थोड़ा सा आँखों पर रेस्ट दो, थोड़ा सा ऐसे हाथ वगैरह फिरा लो जैसे मैं अभी वीडियो पॉज करके करने वाला हूँ। अच्छा कल ही है ना, अच्छी बात है, ठीक है आगे चलो। सो क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर आई थिंक बोल दिया ना मैंने, फिजन रिएक्शन। अगला, ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फेनोमिना ऑफ, मैंने पहले बता रखा है ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, टू मीन्स ये वाला क्वेश्चन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे मिराज इन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अगला, सो देख लेते हैं इसका आंसर, तो बता दूं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 202 का ना। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, रिफ्रैक्शन, हाँ, अपवर्तन एंड टोटल इंटर मीन्स अपवर्तन और प्रकाश के पूर्णांत एक परावर्तन पे। ओके, नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग। 203 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कैटरिंग के कारण। अगला, लेंस इज मेड अप ऑफ, मीन्स जो लेंसेस होते हैं किसका बने होते हैं, पेरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लासेस, ऑर्डिनरी ग्लासेस, कोबाल्ट ग्लासेस। देखो ऑर्डिनरी तो होगा नहीं तो ऐसे मन्ना पूछता। 204 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लिंट ग्लास के। अगला, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड, मीन्स अब एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होता है वो, मीन्स जब उसे हम मून पे ले जाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, रिमेन द सेम, डिक्रीजेस, घटेगा, बिकम जीरो हो जाएगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा। 205 इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजेस, सिंपल सा है, बढ़ेगा। अगला, द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी, विंड्स, क्लाउड्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्या होगा। 206 का राइट आंसर, 206 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी। अगला, द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग्स इन अ व्हील इज, द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इन अ व्हील इज, क्वेश्चन नंबर 270 का राइट आंसर, टू इंक्रीज फ्रिक्शन और टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू रोलिंग फ्रिक्शन, टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू काइनेटिक फ्रिक्शन जस्ट फॉर कन्वीनियंस। सो 207 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूजली मेड ऑफ स्टील बिकॉज,
जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो मीन्स यूजुअली मेड ऑफ स्टील बिकॉज यूजुअली मीन्स बने होते हैं, इज नॉट अ ब्रिटल, हैज़ लोअर इलास्टिसिटी, हैज़ हाइयर इलास्टिसिटी, हैज़ नो डक्टाइल प्रॉपर्टी। सो 208 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैज हाइयर इलास्टिसिटी, हैज़ हाइयर इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209, एमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल्स फास्ट इन, इनमें से कौन सा मीन्स किसमें जो आपका साउंड होता है वो फास्ट ट्रेवल कर सकता है, स्टील, एयर, वैक्यूम या फिर वाटर। 209, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, स्टील। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज, ये क्वेश्चन भाई लास्ट टाइम एयरफोर्स के एग्जाम पे आया था, कर लेना, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सो क्या होता है इसका राइट आंसर 210 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेक्स फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लिविंग द वाटर अंडर नीथ एट, मीन्स जो होती है जो लेक आपका मतलब जम जाती है किसके मीन्स किस टेम्परेचर पे, सिंपल सा है आपका 211। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे ये आया तो मैं बता दूँ, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर फॉरेनहाइट पे मान इक्वल होता है, और कभी भी ऐसे मतलब टेम्परेचर पे दे दे किसी भी सेल्सियस पे पूछ दे फॉरेनहाइट में, तो इसके लिए आपका ये फॉरेनहाइट में दे दे सेल्सियस पे पूछ दे आता है इस बेसिस पे, तो C/5 F-32/9 आप इसे कंप्लीट रखना, अगर सेल्सियस पे देगा तो फॉरेनहाइट निकाल देना और फॉरेनहाइट पे देगा तो सेल्सियस पे निकाल देना बस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 212, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ इमेज इन ए कैमरा। सो 212 का राइट आंसर क्या होगा, 212 का ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलते हैं एपर्टर, द एपर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन MRI मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, मीन्स MRI मशीन में इनमें से किसका यूज किया जाता है, साउंड वेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रासाउंड वेव या मैग्नेटिक वेव्स। सो 213 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक वेव्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पर्सन हैविंग हाइपर मेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 214 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 215, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ड्रॉपलेट्स, स्मॉग, ये ऑप्शन नंबर डी। 215 का राइट आंसर क्या होगा, 215 का राइट आंसर ह्यूमिडिटी ही हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, मीन्स मान लो सन में जो एनर्जी पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, उसके पीछे का यहाँ पे रीजन पूछा है कि ऐसा किसके कारण होता है। 217 216, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, फ्यूजन पे मत जाना, नाभिकीय संलयन जिसे बोलते हैं। अ स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन मरकरी कंटेनर विल, स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन मरकरी कंटेनर विल सिंक इन मरकरी, विल बी ऑन द सर्फेस ऑफ मरकरी, विल बी पार्टी इमर्स्ड इन मरकरी, विल डिसॉल्व इन मरकरी। मैंने तो देखते ही भैया जान लिया कि हाँ ये होगा 217, तो 217 का राइट आंसर क्या होगा ये अपने को बताना है। सो 217 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विल बी ऑन द सर्फेस ऑफ मरकरी। नेक्स्ट 218, द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 Hz to 20,000 Hz आर नोन एज ऑडियोबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक या मेगासोनिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑडियोबल साउंड से हम बोलते हैं, मीन्स इससे हम सुन सकते हैं। एलिप्स क्या लिखा है, इक्लिप्स ऑकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमिना, इक्लिप्स ऑकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमिना। 219 क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन, रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ता है 220, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज, प्योर वाटर होता है इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है, फीबली आयोनाइज्ड नॉट वोलाटाइल अ वेरी गुड सॉल्वेंट अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा क्यों होता है। 220 का राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा। सो 220, चलो अच्छा एक क्वेश्चन नहीं मैं बताता हूँ इसका, फिर आपसे पूछूंगा कोई सा क्वेश्चन। 220 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीबली आयोनाइज्ड। अगला, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब को जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का, और जो आपका हीटर होता है उसका नाइक्रोम का बना होता है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल अ लाउड साउंड इज हियर, दिस इज ड्यू टू,
व्हेन अ वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल अ लाउड साउंड इज हियर्ड दिस इज ड्यू टू किसके कारण होता है 222 इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन के कारण अगला क्वेश्चन 223 लाइट हाउसेस आर प्लेसेस विथ पावरफुल लाइट्स टू गाइडेंट क्वेश्चन नंबर 223 पढ़ लेना फिर से पढ़ो और इसका आंसर आपको कमेंट पे कमेंट करना है दो तीन ही क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आई थिंक 100 नंबर था 194 था और 223 नंबर है आपसे क्वेश्चन है लाइट हाउसेस आर प्लेसेस विथ पावरफुल लाइट्स टू ए भी पढ़ लिए अभी आपको सी डी भी ऑप्शन दिखाता हूँ चलो पढ़ो पढ़ लिया ना भाई अच्छी बात है अगला अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर द अप थ्रस्ट ऑन इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वुड लेस देन द वेट ऑफ द वुड मोर देन द वेट ऑफ द वुड या फिर जीरो 224 इसका राइट आंसर क्या होगा सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेस देन वेट ऑफ द वुड अगला परसिस्टेंस ऑफ विजन इन द प्रिंसिपल बिहाइंड किसके पीछे का रीजन होता है ये परसिस्टेंस ऑफ विजन इन द प्रिंसिपल बिहाइंड कैमरा स्पेक्ट्रोस्कोप सिनेमा या पेरिस्कोप सो 225 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिनेमा इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर में इनमें से किसी एक का फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है 226 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम का किया जाता है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इससे हम हीट करते हैं मीन्स गर्म करते हैं ऐसा सो 227 का राइट आंसर क्या होगा सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेस घट जाती हैं अगला द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीट्यूड इज 30 सेंटीमीटर द वेवलेंथ इज वेवलेंथ कितना हो जाएगा तो 228 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 60 सेंटीमीटर उसका जस्ट डबल होता है द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज जो फ्यूज वायर का नेचर होता है जो मीन्स फ्यूज वायर होता है उसका नेचर कैसा होता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लिख लेना एग्जाम पे आ सकते हैं मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसे 229 का ए नंबर हाई रेजिस्टेंस होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई रेजिस्टेंस होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस ऑप्शन नंबर बी पे देखो सी और डी होगा नहीं अच्छा बी पे नहीं होगा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 220 इन अ रेलवे ट्रैक टू रेल्स रिज्वाइंड इन टू इन विद अ गैप इन बिटवीन देम बिकॉज ऐसा किस रीजन से होता है रीजन क्या होता है 230 का राइट आंसर क्या होगा 230 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंसिबल इन समर कैन बी अवॉइडेड एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंसिबल इन समर कैन बी अवॉइडेड व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड प्रॉपरली 231 इसके पीछे का रीजन क्या है 231 टू इंश्योर स्मूथ रनिंग टू अलाउ द व्हीकल टू टेक मोर लोड टू अवॉइड स्कैडिंग एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन टू गो फास्ट एंड सेव फ्यूल क्या होगा राइट आंसर 231 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगला 232 रिफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस विच रिफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जो किसके कारण होता है किल्स बैक्टीरिया मीन्स क्या उसका काम क्या होता है ऑप्शन नंबर 232 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ मीन्स बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए 233 मड हाउस आर कूलर इन समर्स एंड वार्मर इन विंटर्स एज कम्पेयर टू ब्रिंग हाउस बिकॉज ऐसा किसके रीजन से होता है 233 इसके पीछे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मड इज अ बैड कंडक्टर जो मड होता है वो एक बैड कंडक्टर होता है ठीक है सो ये आपकी प्रक्रिया मड हाउस आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर एज कम्पेयर टू ब्रिंग हाउस बिकॉज मड इज अ बैड कंडक्टर 234 का राइट आंसर देखते हैं चल के आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ यूज अ ग्रे स्पॉट डेवलप ऑन द इनसाइड ऑफ अ बल्ब दिस इज बिकॉज मीन्स मान लो बल्ब एक यूज करते हो तो उसमें धब्बा धब्बा पड़ जाता है ऐसा क्यों होता है 234 इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा डस्ट इन साइड द बल्ब कॉन्डिस्टेंस ऑन द टॉप मीन्स उस पर डस्ट होता है उसी वजह से वो घेर लेता है चारों तरफ से ये अपना राइट आंसर था ये तो लॉजिकल कर सकते थे अगला चलते हैं सुट कार्स हैव बम्पर्स दैट कोलैप्स अंडर इम्पैक्ट सुट कार्स हैव बम्पर्स दैट कोलैप्स अंडर इम्पैक्ट सो 235 का राइट आंसर क्या होगा सो 235 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यस सिंस दे हेल्प टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ अ कोलिएशन एंड कीप द ऑक्यूपेंट सेफ सो 236 नंबर चलते हैं आइस क्यूब्स आर एडेड टू अ ग्लास ऑफ अ प्योर वाटर एंड अ ग्लास ऑफ प्योर एल्कोहल द आइस वुड बी मीन्स उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मान लो किसी वाटर पे डालोगे पानी के लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एट द सेम लेवल इन बोथ फ्लोटिंग इन एल्कोहल एंड स्लिंकिंग इन वाटर सो 236 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एट अ हाइयर लेवल इन वाटर नेक्स्ट 237 अ पर्सन वियर स्पेक्टिकल्स विथ कनकेव लेंसेस इट मीन्स दैट नॉर्मली
इट मीन्स दैट नॉर्मली द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड इन हिज आइज, ठीक है, बिहाइंड द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ऑन द रेटिना, ऑन द ब्लाइंड स्पॉट. सो 237 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जैकेट? लाइफ जैकेट का सिद्धांत मीन्स किस पे डिपेंड करता है? 238 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा. चलो आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाता हूँ. इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द पर्सन टू कीप हिम अफ्लोट. इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द पर्सन टू कीप हिम अफ्लोट. मायोपिया इज द सेम एज. मायोपिया किसके इक्वल होता है बताओ? 239 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियर साइट डनेस. नियर साइट डनेस, ओके. देन 240, सन्स हीट रीचेस अस बाय. सन्स हीट रीचेस अस बाय, जो सन का हीट होता है वो हमारे मिस पास कैसे पहुंचता है? 240 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडिएशन. अगला, अ स्फीयर रोल्स डाउन ऑन टू इनक्लाइंड प्लेन्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स बट सेम हाइट, इट डोजे सो. सो राइट आंसर क्या होगा इसका? सो इस बेसिस पे देख लेते हैं. इन द सेम टाइम विद द सेम स्पीड, इन द सेम टाइम विद द सेम स्पीड, इन द सेम टाइम विद द सेम काइनेटिक एनर्जी. सो 241 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड. अगला क्वेश्चन, इन द सेम 242 की ओर बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट की हाइएस्ट वैल्यू मान लो इनमें से किसके पास होती है? ग्लास, कॉपर, लीड, वाटर. 242 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाटर. अगला, अ माइक्रोस्कोप यूज्ड इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज फॉर्म्स. जो माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में वो कैसा होता है, ऐसा कुछ पूछे. सो 243 का राइट आंसर देख लेते हैं, सी नंबर, मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए. मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर ऑफ. वेलोसिटी ऑफ साउंड किससे मीन्स ज़्यादा होती है ऐसा पूछा है, तो 244 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टील से. अगला, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी डिक्रीज बाई. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी डिक्रीज बाई डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, नन ऑफ द अबव. 245 इसका राइट आंसर क्या होगा? 245 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. अगला, 246, नेसेसरी एलिमेंट ऑफ चेंज इन द सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. इन नेसेसरी एलिमेंट ऑफ चेंज इन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मालूम किसका यूज करते हैं वो था, तो 246 का ऑप्शन से यहाँ पे देख लेते हैं चल के, बेरिलियम, सिलिकॉन, टेंटेलम या फिर प्योर कॉपर. क्या होगा राइट आंसर? सो ऑप्शन नंबर 246 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, सिलिकॉन. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड फर्स्ट. इनमें से कौन सी घटना पहले घटित हुई? आई थिंक पहले ही अब मैंने बता रखा है. 247 का ऑप्शन नंबर, मार्कोनी ने भेजा था फर्स्ट ट्रांसमिटेड अ वायरलेस सिग्नल. 247 का ऑप्शन नंबर सी, ओके. देन नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, 247 का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, मैक्स प्लैंक अनवेल्ड द क्वांटम थ्योरी. बताना क्लियर करके यहाँ पे जहाँ से मैंने किया है उसमें 247 का बी दिया हुआ है, बट इससे पहले इसमें सी दिया हुआ था, ठीक है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सी है. सो आप चेकआउट जरूर करना, मैं भी करके आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे. द ऑडियो सिग्नल्स ऑफ टी वी आर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अनमॉड्यूलेटेड, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड, ठीक है, मॉड्यूलेटेड था. अगला, तो 248 का राइट आंसर क्या होगा? 248 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड. 249, वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड बिकॉज. वूलन क्लॉथ्स होते हैं बॉडी को कोल्ड से मीन्स ठंडे से मीन्स बचाते हैं, ऐसा क्यों? मीन्स 249 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. 250, द आउल कैन सी मोस्ट क्लियरली इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज. ऐसा क्यों है कि आउल मतलब बिल्कुल क्लियर देख पाता है? सो 250 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पढ़ लेते हैं. इट हैज लार्ज आइज विथ ऑब्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट बायनोकुलर साइट, ठीक है. इट हैज लार्ज आइज विथ ऑब्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट बायनोकुलर साइट. नेक्स्ट, 251, बट उससे पहले फिर से वही बात, वीडियो पॉज करो, नहीं तो पॉज करके पानी पीने वाला हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपना आगे बढ़ाता हूँ अपना वीडियो.
हाँ सो देखो 251 है, डैम्प क्लॉथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर्स बाय द एक्सोनो, किसके कारण ये सब होता है 251। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 251 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण। किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण। अगला, टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। टेप रिकॉर्डर को मीन्स हमको इनके पास नहीं रखना चाहिए, किसके पास नहीं रखना चाहिए 252। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेट के पास। किसके पास, मैग्नेट के पास। अगला 253, व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अपॉन द स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अप ऑन द स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस इंक्रीजेस बिकम्स इनफिनाइट एंड डस नॉट चेंज। 253 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंक्रीजेस। नेक्स्ट 254 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग, किसके कारण मीन्स ये यूजिंग मीन्स हम यूज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण, इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण, माइक्रोवेव या गामा। सो आई थिंक 254 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण। मीन्स मान लो हम धुंध में भी देख पाते हैं, किसके कारण, इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण। 255, इट इज़ ईजियर टू कैरी टू बकेट्स ऑफ वाटर इन वन हैंड ईच देन टू कैन ओनली वन इन वन हैंड्स बिकॉज, किसके कारण हम कर सकते हैं 255। सो 255 का राइट आंसर क्या होगा, 255 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल विथ इन द फीट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल विथ इन द फीट। नेक्स्ट 256 की ओर बढ़ते हैं, द सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। सो क्वेश्चन पढ़ लिया ना, क्या था, द सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट, क्या इफेक्ट पड़ेगा सरफेस टेंशन पे जब हम इसे डिटर्जेंट ऐड कर देंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंजमेंट, बिकम्स जीरो। 256 16, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज घटेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। सो 257 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, मिराज। ओके, डी नंबर मिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 258, एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन, मीन्स मतलब एक जो खिलाड़ी होता है आपको दो, ठीक है, सो मतलब आप थोड़ा रनिंग करने से पहले आपसे कोई कहते हैं भाई दर से कूदो, मीन्स एक स्पॉट से मान लो यहीं से रन से कूद जाऊँ तो आप कितना जा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 7 से 8, 8 से 10 फुट तक, मैक्सिमम 10 फुट दर से जा पाओगे, ठीक है, एक स्पॉट से मान लो 6-7 तक तो चले ही जाओगे आराम से। बट कोई कहता है मीन्स अगर हम इसी को लॉन्ग जंप पे आते हैं, थोड़ा सा मीन्स दौड़ के आते हैं, तो फिर हम 16, 17, 18 जितना जो जा पाता है उस बेसिस पे मेरा 18 फुट तक चला जाता है लॉन्ग जंप पे। अगला 259, इन सनलाइट अ रोज अपीयर्स रेड, इन ग्रीन लाइट द सेम रोज अपीयर्स, कैसा दिखेगा, इन सनलाइट में एक रोज होता है जो लाल दिखता है, ग्रीन लाइट में कैसा दिखेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। 259 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, ब्लैक। अगला 260, द स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड इज ड्यू टू, जो डायमंड होता है चमकता है वो किसके कारण चमकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। 260 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। इफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, द कॉपर वायर इज क्या लिखा है, इफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 4 times 1/4 डबल या फिर हाफ। 261 का राइट आंसर क्या होगा, सो 261 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डबल। अगला क्वेश्चन 262 की ओर बढ़ता है, इन अ डीजल इंजन द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इग्नाइट द फ्यूल इज अचीव्ड बाई, क्या होगा, यूजिंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट द बैटरी कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर्स केलिकल सिलेंडर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्पार्क। सो क्या होगा 262 का राइट आंसर, 262 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडिकल्स। अगला 263, वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर, वो वेव्स जो लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। सो उस बेसिस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 263 का, 263 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो वेव्स का हम यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 263 के बाद 264, राइस ऑफ ऑयल इज अ विक इज ड्यू टू, ठीक है।
ये भी आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसे मैंने पहले भी बता रखा है आप सभी को। सो 264 का राइट आंसर क्या होगा, 264 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल के कारण ये ऐसा होता है। अगला, द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, रेडिएशन जो होती है इनिशियली प्रोड्यूस की जाती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, वो किसके कारण, किससे की जाती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स या एक्सरेज। सो 265 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अल्ट्रावायलेट के कारण, किसके कारण, अल्ट्रावायलेट के कारण। अगला यहाँ पे चलते हैं 266, द फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन, द फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन कॉर्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या बाइसिकल साइकिल। 266 इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटो साइकिल। अगला 267, इट इज़ डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इक्लिप्स विथ नेक्ड आइज बिकॉज, इट इज़ डेंजरस, ये हार्मिस खतरनाक टाइप में होता है, क्यों होता है बताओ। क्या ऑप्शन पढ़ो, आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ने वाला, आप पढ़ो, मैं आपको पढ़ लिया ना, अभी मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। 267 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, बम और रेटिना, और रेटिना, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, बम और रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 268, ए बम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी फ्रेगमेंट्स, द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल दीज ऑल द फ्रेगमेंट्स इज जीरो, डिपेंड ऑन द टोटल मास ऑफ द ऑल द फ्रेगमेंट्स, डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ वेरियस फ्रेगमेंट्स या इज इन्फिनिटी। सो 268 का राइट आंसर क्या होगा, 268 का जो अपना राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इज जीरो, ओके, द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 269, एन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट, किसके कारण ये होता है। देखो ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो 269 पे, सो ऑप्शन पढ़ सकते हो, बट मेरे पास, मैं तो नहीं पढ़ने वाला क्योंकि मैं यहीं पे आपको सीधा आंसर करने वाला हूँ। 269 का राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एज अ पैरालेल बीम इज इन वन डायरेक्शन, एज अ पैरालेल बीम इज इन वन डायरेक्शन, ओके। देन 270 नंबर की ओर पढ़ते हैं यहाँ पे, 270 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 270 का, 270 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ओके, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट 271, द अर्थ वायर ऑफ अ केबल इज कनेक्टेड टू, द अर्थ वायर ऑफ अ केबल इज कनेक्टेड टू। 271 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द फ्यूज ऑफ द अप्लायंस, द फ्यूज ऑफ द अप्लायंस, अप्लायंस। अगला, वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स, वाटर जो होता है उसका कार रेडिएटर में यूज किया जाता है, किसके कारण, लो डेंसिटी के कारण, इजी अवेलेबिलिटी के कारण, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण या लो बॉइलिंग पॉइंट के कारण। 272 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण हम उसका यूज करते हैं। अगला यहाँ पे चलते हैं 273, हाउ मच मैकेनिकल वर्क मस्ट बी डन टू कम्प्लीटली मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 जूल, 80 जूल, 336 जूल, 2268 जूल, बताओ भाई। ये आप न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है, बिल्कुल छोटा सा है, हाउ मच मैकेनिकल वर्क मस्ट डन टू कम्प्लीटली मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लॉजिकली कर सकते हो, करके बताना 273 का राइट आंसर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन था, अगला है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल विच रिकॉइल्स आफ्टर फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल टू दैट ऑफ द बुलेट इज 0, 1, less than 1, more than 1। 274 का राइट आंसर क्या होगा, सो 274 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 0। नेक्स्ट 275, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यूज्ड फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन इज, क्रोनो क्या लिखा है, क्रोमोस्फीयर्स, ट्रोपोस्फीयर्स, आइनोस्फीयर या स्टेटोस्फीयर, क्या होगा। 275 का राइट आंसर, 275 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आइनोस्फीयर उसे हम बोलते हैं। बहुत बार रिपीट हो चुका, आई थिंक आज ये तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेगेटिव फीडबैक इज नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, क्या होता है। 276 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, इंक्रीजेस बैंडविड्थ एंड डिक्रीजेस नॉइस, ठीक है, इंक्रीजेस बैंडविड्थ एंड डिक्रीजेस नॉइस। 276 के बाद 277, वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कैस्ट बाई इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज, वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कैस्ट बाई इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज। 277 का राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट मे केस इलेक्ट्रोक्यूशन, इट मे केस इलेक्ट्रोक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 278, अ
पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, मीन्स पेरिस्कोप होता है किसके प्रिंसिपल पे, मीन्स किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर से आ गया वही, आपको पता होगा 278 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अ कॉपर डिस्क हैज़ अ होल, इफ द डिस्क इज हीटेड द साइज ऑफ द होल देन इंक्रीजेस डिक्रीजेस नो चेंज, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। सो 279 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीजेस हमेशा बढ़ता है। रियर व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज, मिरर के लिए जो रियर व्यू होता है वो कैसा होता है, मान लो ये पूछ रहा है, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स या फिर इन्वर्टेड। सो 280 का राइट आंसर क्या होगा, 280 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्वेक्स होता है। अगला, द इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज, माइक्रो प्रोसेसर का जो इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है वो क्या होता है, 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से बोलते हैं, एरे ऑफ रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, मीन्स किसकी किस मीन्स इनमें से किसकी हाइस्ट वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की, ग्लास, कॉपर, लीड या फिर वाटर। सो 282 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाटर की। अगला, द डिवाइस यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर सी इज, मीन्स वही बात है कि पानी में खो गई वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। सो ए नंबर राइट था। द मेटल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर इज, द मेटल हुज मीन्स एक ऐसी धातु जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर या लेड। 284 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर की होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, व्हाट हैपन टू अ लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लिक्विड कूल्स, द लिक्विड बॉयल्स, नो चेंज, द लिक्विड एवोपोरेट्स। ओके, 285 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द लिक्विड बॉयल्स। अगला, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हैवी वाटर का यूज किया जाता है कूलेंट कूल करने के लिए या फिर और क्या था, फ्यूल के लिए, मॉडरेटर के लिए, एटॉमिक स्मैशर के लिए। सो 286 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मॉडरेटर के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर्स बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज, वाटर बॉयल किया जाता है लोअर टेम्परेचर में हिल्स पे बिकॉज, ऐसा क्यों। 287 का राइट आंसर क्या होगा, सो 287 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देयर इज अ डिक्रीज इन एयर प्रेस ऑन द हिल्स, वहाँ पे मीन्स प्रेशर कम होता रहता है। अगला क्वेश्चन 288, व्हाई टू बर्ड्स नॉट हैव रेस्पिरेटरी ट्रबल एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग एट हाई अल्टीट्यूड। सो 288 का राइट आंसर क्या होगा, फिर से पढ़ लेते हैं, व्हाई डू बर्ड्स नॉट हैव पायरेटरी ट्रबल एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग एट हाई अल्टीट्यूड। सो 288 का जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दे हैव एक्स्ट्रा एयर सैक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस इज, मैंने पहले बताया था -40 डिग्री से क्या लिखा है, द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस इज, सो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 289 का ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द आई हैविंग द लार्ज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज, उसे क्या बोलते हैं, लार्ज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रखता है पार्ट ऑफ द आई, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया या फिर एक्यूअस ह्यूमा, लेंस या वर्चुअस ह्यूमा। सो 291 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मीन्स लेंस। अगला, कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू इलेक्ट्रिकल इज अचीव्ड बाई यूजिंग, ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 292 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थर्मोकपल उसे बोलते हैं। 293, बाल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बाल पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सो ये भी सरल है। 293 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सरफेस टेंशन पे। अगला, अ मैन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 10 meters द डिस्टेंस ही सफर्स फ्रॉम, फार साइट मीन्स 10 meters से ज़्यादा कोई नहीं देख सकता, उसे क्या दिक्कत है बताओ, सेम कुछ ऐसा 10 meters से ज़्यादा, इतना तो मुझे दिखता है बट थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता। 294 का बी नंबर हो जाएगा, मायोपिया उसके पीछे है। आगे चलते हैं, 295 नंबर, व्हेन मिल्क इज कर्न्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इज ड्यू टू, मीन्स मान लो मिल्क से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया किसके कारण होती है, 295 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, साउंड वेव्स, लाइट रेज या हीट वेव्स। 296 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
मैग्नेटिक फील्ड। ओके 297 द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है वो क्या होती है। 297 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलाम होती है। लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, लाइट बीम जो हाईली डायरेक्शनल होती है उसे क्या बोला जाता है। सो 298 का ऑप्शन नंबर डी लेजर उसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 299 का, परमिशेबल नॉइस लेवल एट रेजिडेंटियल मीन्स मान लो जहाँ पे निवास जहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए मीन्स कितना नॉइस मीन्स की अनुमति है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, परमिशेबल नॉइस लेवल एट अ रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग नाइट टाइम इज 45 डेसिबल, 55, 75, 80 डेसिबल। सो क्या होगा, 299 का ऑप्शन नंबर 45 डेसिबल लाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 का आपको फिर से बताना है कमेंट में कमेंट करके, एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट, एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन एंगल, डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकम्स मैक्सिमम फॉर एंगल ऑफ द इंसिडेंस इक्वल टू द 45 डिग्री। गाइस यहाँ पे देखो मैं पहले बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 300 क्वेश्चंस कराए, 25 क्वेश्चंस नहीं कराए, वो अभी इसके बाद मैं ऐड करता हूँ, आप पहले उनको कंप्लीट कर लेना देन पूरा वीडियो वॉच करना। पूरा वीडियो वॉच करोगे डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चंस आपको इससे फंस जाएंगे अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो, जो आपके एग्जाम के लिए एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए नेवी डबल SSR अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आप इसे कंप्लीट करो, अगर आपका कोई भी डाउट बनता है बेझिझक मुझसे आज करना, मे भी कहीं एक दो ऑप्शंस में कुछ भी गलतियां हो सकती हैं तो आप मुझे बताना कमेंट में कमेंट करके, सो मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो पे या कहीं ना कहीं आपको सही करके जरूर बताऊंगा। ओके सो वीडियो को अगर आए हो तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर खुद का दूसरों का, जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फॉर विच डायोड इज यूज्ड, मॉड्यूलेशन, ऑक्सीडेशन, एम्पलीफिकेशन या प्योरीफिकेशन। सो इसका तो राइट आंसर था प्योरीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला होगा उसे जरूर डिस्कस करेंगे बोथ लैंग्वेज पे, जैसा जहाँ पे डिस्कस करने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मीन्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की इनमें से किसने खोज की, मान लो ऐसा किया, डेवलप किया। ठीक है, डॉक्टर होमीजी भाभा ने, विक्रम साराभाई ने, डॉक्टर राजा रमन्या ने या डॉक्टर PK अय्यानगर ने। सो क्या होगा राइट आंसर, सो सिंपल से भाई डॉक्टर होमीजी भाभा, डॉक्टर होमीजी भाभा ने इसकी खोज की थी। ठीक है, सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए नंबर होने वाला था। अगला क्वेश्चन क्या है, Which among the following types of coal produces most heat per unit, means इनमें से कौन सबसे ज़्यादा, most means सबसे ज़्यादा heat per unit increase करता है, means पैदा करता है, means increase करता है, बढ़ाता है, ऐसा बोल सकते हैं, produce करता है। So coal, lignite, anthracite या pit, क्या होगा right answer brother? So right answer इसका आपका anthracite हो जाएगा, और lignite, coal and pit इसका right answer नहीं होने वाला था। Next question number 4 की ओर बढ़ते हैं, और थोड़ा सा फास्ट में ही करेंगे, मान लो एक रिविजन चल रहा है, क्योंकि अभी बेसिक से पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, बेसिक से पढ़ना था तो जितना भी पढ़ना था पढ़ चुके, अभी आपको बस यहीं से पढ़ना है। विच एमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मींस ऑप्शंस में जो दिया हुआ है इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, मींस मान लो किसी से बात करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी ऑफ 101 सीरीज। सो माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड डायमेंशन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन वनली, क्या होगा राइट आंसर। तो जो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है ना उसमें फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मींस एक सर्टेन आवृत्ति आपकी होती है, क्या होती है, सर्टेन आपकी आवृत्ति होती है। सो इसका राइट आंसर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, मैं आपसे 20 में अगर मैं 30 कराता हूँ तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके होंगे, जब मैं आपको इसका PDF दूंगा तो उसमें सारे आंसर कर दूंगा, और जहाँ पे अगर जो कॉन्सेप्ट वाले बन रहे होंगे तो उनका कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पर टाइप करके या लिख के आपको इमेज ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो इसका क्या होगा राइट आंसर, व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल, मीन्स जब स्पीड ऑफ कार इज डबल की जाती है देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट एंड द सेम डिस्टेंस, मीन्स सेम डिस्टेंस पे कार का फोर्स जब हम मीन्स स्टॉप करेंगे कार को तो उसका क्या होगा फोर्स। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट, सो क्या राइट आंसर होगा, 4 times, 2 times, half या 1/4,
काफ़ी इजी है, कॉन्सेप्ट बेस पे अगर फॉर्मूलेस नहीं आते तो आप इसे नहीं कर पाओगे। सो बताना इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम पे आते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, ये मैं बोल सकता हूँ कि एयरफोर्स के लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज द इम्पल्स, मीन्स इम्पल्स के डायमेंशन इक्वल और किसका होता है। सो ML2 T-2 T-1 आपका आपसे एग्जाम पे पूछ लेता है और पूछेगा इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा। तो इम्पल्स मोमेंटम के इक्वल होता है, संवेग के इक्वल होता है, वैल्यू मीन्स आयतन होता है आपका, और टर्क्यू मीन्स बला गुण होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है ML2 T-1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे, सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रदर विच एमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये तो देखो क्वेश्चन वैसे बेसिकली आपके एग्जाम के लायक नहीं है, मैं यही बताता चलूँगा जो प्रीवियस टाइम आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा। तो पूछा है इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, तो आपने पढ़ा होगा ना फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी है, टाइम ही है। वेलोसिटी वैल्यू मीन्स आयतन होता है, वेलोसिटी वेग होता है, फोर्स बल ये कुछ भी नहीं है, टाइम मीन्स अपना समय ही है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगला इफ द डायमीटर मीन्स होता है व्यास ऑफ अ कैपिलरी, मीन्स मान लो केशिका का इज अ डबल देन द राइज ऑफ द वाटर इन इट विल बी, देन पानी का उठना उसमें क्या हो जाएगा, 2 times, 1/2, 4 times या नो चेंज। बहुत बार एग्जाम, ये NDA के एग्जाम पे भी भाई भी पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार। प्रीवियस टाइम का उठाना 2018 जो सेकेंड पे हुआ था उसका सितंबर पे, ठीक है, उसका उठाना, उसमें उसका और उसमें ये क्वेश्चन देखना, पक्का डैम श्योर आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हाफ होगा, ठीक है, कि जब व्यास मीन्स कैपिलरी का केशिका का व्यास जो होता है वो डबल हो जाता है तो उसमें पानी का उठना कितना होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को कर लेना, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्वेश्चन किसी न किसी कंडीशन में कर ही लेना है आपको। अगला, वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सर्फेस वेन इट इज केप्ट जनरली। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स, मीन्स जो आयरन की नीडल होती है वो स्विम्स मीन्स तैरती है ऑन वाटर सर्फेस, पानी की सतह पर, वेन इट इज केप्ट जनरली, जब उसे नम्रतापूर्वक रखा जाता है। भाई पूरे ऑप्शंस पढ़ने की नीड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पढ़ो कि ड्यू टू सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण ही ये घटना हो सकती है, ठीक है। और ये तो हमें पता भी था कि एग्जांपल होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही ये घटना हो सकती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द मास ऑफ अ स्टार इज 2 times द मास ऑफ द सन, मीन्स जो मास ऑफ स्टार होता है वो 2 times ऑफ द मास, मीन्स सन के मास ऑफ द स्टार के मास ऑफ द सन के 2 times होता है। हाउ इट विल कम टू एंड, मीन्स ये कैसे फिनिश होगा, ये कैसे खत्म होगा। सो न्यूट्रॉन स्टार की वजह से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं था, नेवी MR के एग्जाम पे एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये भाई अच्छा खासा क्वेश्चन है जो मैं अगला बोलने वाला हूँ, ये आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। सो अगला क्वेश्चन क्या है, रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट, मीन्स एक मान लो पानी की बूंद एक ग्रेट हाइट से गिराई जाती है, विच इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शंस पढ़ने की नीड है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, द फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स। बिल्कुल सही बात है, जैसे जो भी बूंद गिराई जाती है उनका अल्टीमेट जो वेलोसिटी होता है सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है बूंदों के लिए। सो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, अभी और पढ़ने का अपने कोई नीड ही नहीं है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटो स्टेट मशीन वर्क्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो मीन्स यहां पे पूछा गया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटो स्टेट मशीन, जो फोटो स्टेट मशीन होती है ना वो किस टेक्निक पे काम करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे काम करती है, और ये इस वाले चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आपका बनता है, आपका ये चैप्टर लास्ट में मिल जाता है, इसी में आपका आता है कार्यफलन और देहलियावृत्ति, ये सभी हिंदी पे मैं आपको बोल देता हूँ, तो आपको इसे कंप्लीट कर ही लेना है कार्यफलन वगैरह को। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, 1 kWh इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन भाई बहुत बार आया है, आप इसे किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में जरूर करते होंगे, 6 MJ के इक्वल हो जाता है, 6 MJ के, 1 kWh इज इक्वल टू 6 MJ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ओके ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस, मीन्स पृथ्वी से रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ऊपर जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो वो तो एग्जैक्ट बात कर लेता हूँ, तो 11.2 km/s होता है, बट चलो ऑप्शन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या है, तो 11 ही है, तो 11.2 km/s मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे राइट हो जाएगा एक्सपेक्टेड।
अगला बता दूँ, एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप की नेवी डबल है SSR की अगर तैयारी करते हो तो भाई ऑनलाइन बेस्ट सीरीज़ आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएगी। मीन्स अपनी पोजीशन जानने के लिए, अपनी रैंक जानने के लिए, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और कितना आपको स्कोर करना चाहिए, उस बेसिस पे अगर वो सब जानना है आपको तो परीक्षा ऐप पे आओ, टेस्ट लगाओ और अपना स्कोर कमेंट करके मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ परीक्षा ऐप पे भाई मेरा इतना स्कोर जा रहा है। परीक्षा ऐप रिगार्डिंग भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कूपन कोड मेरा ऑनलाइन D40 डाल दोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको होगा कि भाई वो टेस्ट सीरीज कम प्राइस में मिल जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट 160 टू 168 में पड़ती है और उससे आप 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ऑफलाइन से ऑनलाइन बहुत बेटर होता है, आप सभी जानते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने वाला है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट जरूर करना और बताना कि कैसा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। अच्छा ठीक है, हम जब रेनबो को देखते हैं तो इनमें कौन सी बात सही है। वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स, द सन रिमेंस बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है कि जो सन होता है अपने रिमेंस बिहाइंड अस, अपने पीछे रहता है और हम रेन ड्रॉप्स फील करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा और तो कोई यहाँ पर राइट होने वाला नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कौन सा था, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट। ये क्वेश्चन भी अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि थ्योरी ही पूछता है। जैसे प्रकाश का यहाँ पे राइट आंसर तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, मिस पूछा हिंदी पे क्या है, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। प्रकाश का भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त होना ये प्रिज्म कहलाता है। यहाँ पे पूछा स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट कलर में डिवाइड होना ऑफ लाइट इज इन अ प्रिज्म, प्रिज्म में क्या कहलाता है, तो उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिक्षेपण बोलते हैं। यही मीन्स थ्योरिटिकल बेस पे क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स के एग्जाम पे, वन लाइनर नहीं आते, तभी जो वन लाइनर होता है ना उसे मैं बोल देता हूँ कि ये नहीं आने वाला। अगला, जैसे अगला वाला क्वेश्चन है, इसके बहुत कम मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन क्या है, अ वोट विल सबमर्ज, एक वोट है वो सबमर्ज हो जाएगी, ठीक है, जलमग्न हो जाएगी, व्हेन इट डिस्पीसेस वाटर इक्वल टू इट्स वन, जब वह अपने मीन्स अपने भार के इक्वल जब होगा वाटर, मीन्स अपने भार के इक्वल पानी को विस्थापित करेगी। वैल्यूम, वेट, सर्फिस एरिया या डेंसिटी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। सो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर, वेट। अच्छा, अभी तक तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मैं बोल के अभी चलो नेक्स्ट पूछता हूँ आपसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बताना है आपको, टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 5 mm एंड फ्रीक्वेंसी 10 Hz आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 20 mm, द डिस्टेंस इन mm बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इज 0 to 5 1, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट करके बताओ, अगर टेलीग्राम पे हो तो इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट करो और सॉल्यूशन करके बताओ कि हाँ भाई ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, द स्नो ऑन द माउंटेंस डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस, मीन्स जो माउंटेंस में होती है स्नो वो वहाँ पे मेल्ट नहीं करती, मीन्स ज़्यादा नहीं करती, व्हेन इट इज़ हीटेड बाय द सन, बिकॉज जब उसे मीन्स हीट मिलती है बाय द सन, बिकॉज क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इट बिकम्स वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड हो जाती है, ये तो ना हुआ। अगला, इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, बिल्कुल सही बात है, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को सन से, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं सन से। सो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 21 नंबर, अगला, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन। मैंने बोला था आप सभी से डॉपलर प्रभाव, जब फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे उसमें से बोला था कि भाई डॉपलर प्रभाव से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, वो भी यही क्वेश्चन है, ठीक है, और आ भी सकता है, एक्सपेक्टेड पे आप इसे ऐड कर सकते हो। अ पर्सन स्टैंडिंग मीन्स ये एक्सपेक्टेड पे है, प्रीवियस पे है, इसे प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, चाहे जहाँ पे लगाओ ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, एक व्यक्ति है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, लिसन टू द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेंस, मीन्स आने और जाने वाली ट्रेंस के बारे में सुनता है। द विसल्स हियर डिस मीन्स जो वॉइस होगी वो कैसे सुनाएगी, ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी मैंने राइट बोल दिया। जब कोई सी चीज़ें ट्रेन मान लो आपकी तरफ आती तभी तो उसका जो सायरन होता है वो तभी तो आपको तेज सुनाई देता है, अभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत जो पिच होगी, ठीक है, वो आपकी हाई सुनाई देगी। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, होलोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ, होलोग्राफी एक टेक्निक है जो बताओ भाई, होलोग्राफी। सो 22 का राइट आंसर क्या हो सकता है, आपको सीधा बताता हूँ चल के, ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्डिंग अ परमानेंट 3-dimensional फोटोग्राफ ऑफ अ गिवन सिग्नल कलर ऑफ अ मल्टी कलर। वैसे ये आपके एग्जाम पे नहीं आने वाला, इसे आप लेफ्ट भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पे है, एन आइस ब्लॉक विथ अ पीस ऑफ लेड एम्बेडेड इन इट्स फ्लोट्स इन वाटर, इट
इफ आइस मेल्ट द वाटर लेवल, सिंपल सा है, वाटर लेवल आपका राइज होगा कि फॉल होगा, सिंपल सा है। जब वो ब्लॉक होता है पीस का, लेट लेट का एक पीस है जो ब्लॉक होता है, सो इसका मीन्स क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, इस इफ आइस मेल्ट द वाटर लेवल। सो 23 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, मीन्स कम होगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 24, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन पे आपका वेलोसिटी होता है वो निर्वात में कितना होगा, इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, ये तो काफ़ी राइट है और ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक नहीं है तो आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज, सो गियर व्हील्स के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे नायलॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नायलॉन्स, ठीक है। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी। अगला 26 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, ओवन के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव्स का, अल्ट्रावायलेट रेज का, एक्सरेज का, या रेडियो वेव्स का। क्वेश्चन नंबर 26 का सी हो जाएगा, माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 27 बताना, मैं यहाँ पे आज 25 नंबर तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, 26 और आगे ये 300 क्वेश्चन की सीरीज है, मैं इसे जल्दी आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। 3 से 4 दिनों में एक एक दो दो वीडियोस में फास्ट फास्ट करके आपको कंप्लीट करा दूंगा। मुझे लगता है आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा तो इसे आपको रिपीट मारते रहना है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लो और इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कि आप यहाँ तक आए हो लास्ट तक वीडियो के, तो अगर आप लास्ट तक आ चुके हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे अच्छे खासे भाई क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, 300 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नोट डाउन किया कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इन क्वेश्चन से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। सो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए आ सकती हैं, 4 to 5 नंबर तो इससे आपका आने ही वाला है। सो अगर आपने कंप्लीट किया है सो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी इससे, अगर वॉच किया है। सो थैंक यू, एंड वीडियो अभी पसंद आया तो लाइक करना, ना आया तो डिसलाइक मार देना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।